ये बात तो हम सबको पता है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, बट डेडपूल कभी किसी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेता। इंस्टेड ऑफ दैट वो हर बार उसे अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। बट क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिरकार डेडपूल इतने जोक्स क्यों करता है? चलो तुम्हें इसकी एक बैक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है जब बॉलीवुड का एक जाना माना मूवी डायरेक्टर डेडपूल का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर जाता है, एंड वो जैसे ही अपने गाड़ी से उतरता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारा खून गिरा हुआ दिखाई देता है। इवेंचुअली उसी घर से एक आदमी भागते हुए उसकी तरफ आता है और उस डायरेक्टर से वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, बट वो धीर डायरेक्टर उस आदमी को दूर फेंक कर घर में घुस जाता है जहाँ पर डेडपूल उसकी पहले से राह देख रहा था। डेडपूल डायरेक्टर को बैठने के लिए कहता है एंड उससे उसने लिखी हुई स्टोरी पूछने लगता है, बट डायरेक्टर उससे कहता है कि उसे डेडपूल की कंप्लीट स्टोरी उसी के मुंह से सुननी है। अब उसकी इस बात पर डेडपूल एग्री हो जाता है एंड उसे अपने एक्समैन बनने की स्टोरी सुनाने लगता है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके ऊपर डॉक्टरों की टीम ने वेपन एक्स के तहत एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड बिकॉज ऑफ दिस उसे रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर मिल जाता है। साइंटिस्ट का प्लान काम कर जाता है और यही पर से वेड विल्सन की एज अ डेडपूल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। रुको रुको एक सेकेंड, तुम अभी भी अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो डेडपूल। वो डायरेक्टर डेडपूल को बीच में ही रोकते हुए उससे कहता है, मुझे वेड विल्सन के बारे में बताओ, वो बंदा जो वेपन एक्स एक्सपेरिमेंट के पहले एग्जिस्ट करता था, मुझे उसके बारे में जानना है। इस पर डेडपूल उससे कहता है, वो तो एक उल्लू का पट्टा था। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो मुझसे हैंडसम था इसलिए मैं उसके ऊपर जलता हूँ? वो चंद पैसों के लिए किसी को भी टपकाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। हाँ, पर उसकी एक हॉट गर्लफ्रेंड भी थी वेनेसा, जो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। पर उस दिन जब न्यूयॉर्क सिटी के मेडिकल सेंटर से आई हुई डॉक्टर आर्च रीड की एक मेडिकल रिपोर्ट ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था कि वेड को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का। उसे देखते ही वो डिप्रेशन में चला गया। वेनेसा उससे कहती रही कि तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पर उस रात वो वेनेसा को छोड़कर अपने जिंदगी के बचे हुए पल अकेले बिताने के लिए सुनसान रास्तों पर निकल जाता। वो एक क्लब में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो वेड को बताता है कनाडा के एक लैब में कुछ क्रेजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और इसके बाद की कहानी तो तुम्हें पता ही है। बट डायरेक्टर का मन इन बातों से भी नहीं भरता और वो डेडपूल को उसके बचपन के बारे में बताने के लिए कहता है। वो डेडपूल से कहता है कि तुम्हारा बचपन हमारी मूवी में एक इमोशनल सिचुएशन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद सुनकर डेडपूल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। देन वो उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट सुनाने लगता है। वो बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके डैड उसे हंसाने के लिए डोर के पीछे छुपकर उसे नॉक नॉक जोक सुनाया करते थे जिन्हें सुनकर डेडपूल बहुत हंसा करता था। वो आगे बताता है, बट उस दिन जब मैं जोक सुनने के लिए दरवाजे के पीछे खड़ा रहकर उनका वेट कर रहा था तब मुझे बाहर से किसी की भी आवाज नहीं आई। मैं थोड़ी देर वेट करता रहा बट आखिरकार जब मैंने बाहर झांक कर देखा तब मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हर रोज पागलों की तरह उनकी राह देखते रहता पर वो वापस लौटकर कभी नहीं आए और मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले गए। उस चीज ने मुझे बहुत परेशान किया पर तब से मैंने रोना छोड़ दिया। तुम्हें पता है ये जोक सिर्फ मुझे हंसाते नहीं है बल्कि मुझे उस कंडीशन से बाहर निकालने में मेरी मदद करते हैं, इसीलिए मैं हमेशा जोक्स करते रहता हूँ। अब डायरेक्टर को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था, इसीलिए वो डेडपूल से अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। दो साल बाद जब डेडपूल के ऊपर एक कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी बनती है तब उसके प्रीमियर के लिए मूवी का डायरेक्टर डेडपूल को इन्वाइट करता है। अब डेडपूल एक सेलिब्रिटी बन चुका था, बट जब मूवी स्टार्ट होती है तब डेडपूल देखता है कि उस डायरेक्टर ने डेडपूल की ओरिजिन स्टोरी में छेड़छाड़ करके उसे तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से दिखाया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो स्टोरी एक्सट्रीमली इनकरेक्ट एंड कम्प्लीटली मिसोजिनिस्ट थी। इसे देखकर डेडपूल को इतना गुस्सा आता है कि वो अगले ही सेकेंड अपने दोनों गन निकाल कर वहां पर बैठे हुए सभी ऑडियंस पर धड़ाधड़ गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है जिससे वहां पर बैठे हुए सभी लोगों की मौत हो जाती है।